नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सिरमौरी ताल गांव के दौरे पर हैं जयराम ठाकुर। ये बड़ी खबर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद है, प्रभावित परिवारों से यहाँ पर मिलेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि सिरमौर बादल फटने से यहां पर भारी तबाही मची है। सिरमौरी ताल के गांव पहुंचे हैं जयराम ठाकुर, आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर यहां पर जायजा लेंगे। तो ये बेहद अहम जानकारी, सांसद सुरेश कश्यप भी जयराम ठाकुर के साथ मौजूद है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। बादल फटने से यहां पर भारी तबाही मची है हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह से आपदा ने बिल्कुल कहर मचा रखा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों की परेशानियां यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि बादल फटने से एक बार फिर से यहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। प्रभावित परिवारों से यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सिरमौरी ताल गांव के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, जिस तरह से सिरमौरी के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ ही समय में सिरमौरी ताल पर पहुंचेंगे, जहां पर जो परिवार की जहाँ ये बड़ी इतनी घटना घटी है उनसे मिलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बड़ा स्लाइड हुआ है, यहाँ पर लगभग एक परिवार के 5 सदस्य जो बिल्कुल पूरी तरह से दब गए थे, जिनके 2 दिन पहले शव निकाले गए थे और कल देर शाम तक 3 के शव निकाले गए हैं। तो यहाँ पर जो ये बाढ़ से लोगों को नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे। रॉबिन, जिस तरह से यहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है अभी भी, लेकिन क्या अभी भी किसी के फंसे होने की यहाँ पर खबर है? मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक फिलहाल जो घर दबे हैं उनमें 3-5 लोगों के बताया गया था कि वो दबे हुए हैं, वो लोग तो निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने 70 परिवार होते हैं उन्हें सुरक्षित दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी रॉबिन, एक बार फिर से बादल फटने से यहाँ पर तबाही मची है, पहले ही करोड़ों का यहाँ पर चपत लग चुका है। क्या कुछ स्थिति है, क्या पहले से जनजीवन पटरी पर लौट रहा है या फिर काफी स्थिति यहाँ पर खराब बनती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर राजबंद से लेकर सिरमौरी ताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ के जो आसपास जो लोग रहते हैं वो डर डर के जीवन यापन करने को मजबूर है। भले ही प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है उन्हें सुविधा देने के लिए, लेकिन अगर सच्चाई कहे तो अब भी लोग यहाँ पर डरे हुए और अपने आप को जरा सा महसूस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बादल फटने से यहां पर भारी तबाही मची है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा ले रहे हैं जयराम ठाकुर। सांसद सुरेश कश्यप भी यहां पर मौजूद है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में आए सियासी बवाल का भाजपा बुनाने में लगी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज इसको लेकर दिए बयान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है और घर पर आराम करने की सलाह दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुरेश भारद्वाज राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सुरेश भारद्वाज जी जो है अब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे को निवेदन रहेगा कि अब उनकी उम्र जो है आराम करने की है, तो घर पे आराम करें और इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, संगठन है, सरकार है, और अगर आपस में कोई बात है तो वो हमारी चार दीवारी के अंदर जो है बात होगी और सब चीज़ों को मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। मंडी जिले में एनएचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई।
ये बस मंडी के सुंदरनगर से शिमला जा रही थी। कांगो के पास सड़क धस गई और बस भी नीचे चली गई। इस दौरान बस मलबे के पहाड़ पर रुक गई है, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। वहीं सोलन में चंडीगढ़ शिमला रोड पर मलबा गिरने से रोड बंद हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आगे हमारी प्राथमिकता जो है वो सड़कों की बहाली का है, उसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज ही भी मैंने अभी सुबह एक सारे हमारे SC से ENC के साथ आज सुबह भी मैंने उनसे रिव्यू मीटिंग लिया है और यही उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी थोड़े बहुत सड़कें जो बच गई है खुलने के लिए उनको इमिजिएटली खोला जाए। अभी भी कई जगहों पर लगातार स्लिप्स आ रहे हैं। पिछले कल भी हमने जो है वो बाई रोड रामपुर से शिमला आना था, मगर शिलारू के पास लगातार स्लिप्स जो है वो ठोक के अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी को भी और मुझे उनके साथ में जो है वो लूरी वाली बसंतपुर सड़क से आना पड़ा। तो अभी भी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी एज वी स्पीक बहुत जगहों पे जो है वो स्लिप्स लगातार चले हुए हैं। आगे भी अभी बरसात के मौसम चला हुआ है तो उस पर भी वॉर फुटिंग के ऊपर हमारा कार्य चला हुआ है। 50 करोड़ रुपए की नई मशीनरी खरीदने का प्रोसेस भी हमारे डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है, उसकी भी अभी मुझे जानकारी मिली हमारे अधिकारियों के माध्यम से, जिसमें JCBs आपकी पोकलेन्स और कई जगहों पे SDOs के लिए जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होती है वो भी ली जा रही है, ताकि हमारा जो स्टाफ है खास करके जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है वो इमिजिएटली जहाँ पर भी इस तरीके का कोई नुकसान होता है वो पहुँचे, वहाँ पर लोगों को सहयोग दे, सहायता दे, समर्थन दे, और इस तरीके से हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में HRTC की बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस मंडी के सुंदर नगर से शिमला जा रही थी। कांगो के पास सड़क धस गई और बस भी नीचे चली गई। इस दौरान बस मलबे के पहाड़ पर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 12 यात्री सवार थे और इस दौरान तीनों लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं बस गिरने की सूचना पर डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने बस के चालक सुनील कुमार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। श्री नैना देवी में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। बारिश के कारण मौसम भी ठंड हो गया है। भाई भारी बारिश के कारण लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन को लेकर लोक निर्माण विभाग मुस्तैद है और बंद सड़कों को खोलने के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि श्रावण मास को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। रुक-रुक के बारिश हो रही है, दूर से भी बारिश हो रही है और जो कोलाबल्टो रास्ता है वो बंद था जो JCB के द्वारा खोला गया है, और नैना देवी श्मशान घाटवार रोड है वो बंद है और श्रद्धालु भी नैना देवी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। 3-4 दिन से काफ़ी बारिश है, लेकिन पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार साथ में उसका प्रबंध कर रही है, प्रॉपर उसको निकाल रही है। किसी भी यात्री को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से यात्री आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हिमाचल में चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा किए गए बयान पर बवाल मच रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कटोरा लेकर मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमने के बयान पर वह घिरते नजर आ रहे हैं। BJP प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने मंत्री पर हमला बोलते हुए माफी मांगने और स्पष्टीकरण देने को कहा है। राजीव बिंदल ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चुने हुए विधायक के लिए सही नहीं है और सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है। अनिरुद्ध सिंह को इस पर जल्द स्पष्टीकरण देना चाहिए और भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिस पर अब मीडिया प्रभारी करण नंदा की प्रतिक्रिया भी सामने आया है। मुख्यमंत्री से खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह जी और कौल सिंह ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर टिप्पणी करी है वह निंदनीय है, तथ्यहीन है, और जिस प्रकार जो आरोप और प्रति आरोप का एक क्रम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है वो निंदनीय है, अशोभनीय है। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से ये बयानबाजी करते हैं ये तथ्यहीन बयानबाजी है, और इनको तथ्य के साथ जो है जनता के समक्ष आना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो जानती सब है, जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यहीन बयानबाजी करके ये कांग्रेस के नेता केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और वो
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी के 6 मील में शुक्रवार देर शाम चलती ऑल्टो कार पर पत्थर गिरने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। कार में 2 बच्चों सहित कुल 4 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 अन्य को चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए मंडी अस्पताल में लाया गया है। इस घटना के बाद हाईवे पर देर रात तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। मंडी के 6 मील के बाद ही 9 मील भी रात को लैंडस्लाइड हुआ। यहां पर पहाड़ी से बार बार पत्थर गिर रहे हैं। इसे देखते हुए हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकासात्मक कार्यों का तय सीमा के भीतर पूरा करने को लेकर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने ग्राम पंचायत सिहुता के गांव छरड़ा में लोगों की समस्याओं को सुना। इसमें ज्यादातर समस्याएं पानी, बिजली और सड़कों से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। राजगढ़ के यशवंत नगर में गिरी नदी पर बने पुराने पुल का सजाने का शुरू कर दिया गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के बागवानी वृत्त ने यहां पर सेतु वाटिका का निर्माण किया है। सेतु वाटिका का उद्घाटन आज मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता ने किया है। इस मौके पर अजय गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग सड़कों के किनारे मलबा डालने के स्थान चिन्हित करेगा और बाद में उसी स्थान पर पार्कों का निर्माण भी करेगा। साथ ही गुप्ता ने कहा कि इस प्रदेश भर में सड़कों के किनारे डंपिंग साइटें चिन्हित की जाएंगी ताकि लोग इन साइटों पर मलबा डाल सके। बारिश के कारण हमारी जगह जगह मलबा भारी मात्रा में आया है। नाले हमारे चोक हुए हैं और हमारी ड्रेनेज भी बंद हुई है। तो विभाग ने अब ये डिसीजन लिया है कि भाई जो मलबा मैनेजमेंट है, इसके लिए हम जगह जगह डंपिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें ताकि सरकारी या गैर सरकारी लोग जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो मलबा वहीं गिराएं, निर्धारित और चिन्हित जगह पे गिराएं और उसके बाद उस जगह को हम पार्किंग या पार्क और रोड साइड एमिनिटीज़ के रूप में उसको डेवलप करें। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम सुखू ने क्या राज्य में व्यवस्था परिवर्तन का नियम लागू कर दिया है। शिमला से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा कि कल पांगी घाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसे देखकर लगता है कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन लागू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन है क्या, आवासीय आयुक्त के निजी सचिव वित्तीय घोषणाएं कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने सवाल पूछा कि अधिकार किसने दिया है और कब दिया है। इस वीडियो को देखकर ऐसे पिछले कल पांगी घाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस वीडियो को देखकर ऐसे लगता है कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के विषय पर कार्य करना शुरू किया है। ये व्यवस्था परिवर्तन ही तो है जिसमें एक आवासीय आयुक्त के निजी सहायक जो है वो बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रमों में जाकर वित्तीय घोषणाएं कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी स्थिति में सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि उनको ये वित्तीय शक्तियाँ किसने प्रदान की, कब प्रदान की, क्या ये कांग्रेस पार्टी का जो व्यवस्था परिवर्तन का जो ये नारा है ये उसका परिणाम है या सरकार की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। चंबा के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने श्री मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हरसिद्ध से डल झील तक प्रशासन के साथ पैदल यात्रा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने यात्रा के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ में उन्होंने डल झील, गौरीकुंड, सुंदरासी आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। चंबा का मिंजर मेला भले ही खत्म हो गया पर टनों के हिसाब से प्लास्टिक और अन्य कूड़ा कचरा आज भी चंबा के ऐतिहासिक चौगान में लग रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके बारे पूर्व चौगाना में प्लास्टिक ही दिखाई देगा। आपको बता दें कि चंबा नगर पालिका के पास वैसे भी चंबा की सफाई व्यवस्था और उससे निकलने वाले कचरे की डंप करने के लिए बहुत ही छोटा डंप यार्ड है। आपको बता दें कि कूड़ा फैलने से बदबू फैल रही है और लोग परेशान हो रहे हैं।
वो दो दिन हो गए खाली हुए, कम से कम इसको तो इसके साथ उल्टी गंदगी पड़ रही है, तो प्रशासन को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक सफाई करवाए, और नहीं तो एक आधी बारिश हो गई और तो बीमारी फैलेगी और गंद होगा इससे पड़ेगा। तो हमारी तो यही वो है सिचुएशन शहर वालों की कि जल्दी से जल्दी इसको सफाई करवानी चाहिए। चंबा में मिंजिल का मेला हुआ है, इस बार बहुत अच्छा मेला गया है। 23 तारीख से शुरू हुआ था और ये 9 तारीख तक चला है। लोगों ने अपना माल बेचा है, बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे चंबा के लिए फख्र की बात है। लेकिन एक सबसे बड़ा ये एक धब्बा ही कहेंगे चंबा के माथे पे कह लीजिए या मिंजर के कारण, कि जो लोग यहाँ पे सेल करते हैं सामान, वो अपना सारा जो जितना भी प्लास्टिक और ये दूसरी चीज़ें जो हैं कचरा जो यहाँ फेंक जाते हैं, वो ये ज़रूरी है कि जो प्रशासन है इस काम के लिए बहुत सतर्क रहे और चंबा को साफ सुंदर रखे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के चिड़ की पत्तियों से इको फ्रेंडली राखियां बनाई जा रही है। इस राखियों से पर्यावरण का भी संरक्षण भी होगा और चिड़ के पेड़ से आग नहीं आमदनी होगी। देखिए रिपोर्ट। इको फ्रेंडली राखियां, भाइयों की सजेगी कलाई, चिड़ की पत्तियों से बढ़ेगी शोभा। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग का मुख्य कारण चीड़ की पत्तियां ही मानी जाती हैं। इन चीड़ की पत्तियों के कारण आग से जहां कई जंगली जानवर मौत का ग्रास बन जाते हैं, वहीं फॉरेस्ट विभाग को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अब इन्हीं चीड़ की पत्तियों से मंडी शहर की महिलाएं ऐसे ऐसे उत्पाद बना रही हैं जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में मंडी शहर निवासी संतोष सचदेवा ने इन चीड़ की पत्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इसकी राखियां बना दी हैं। संतोष सचदेवा साल 1996 से आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रही हैं और नैना आर्ट के नाम से स्वयं सहायता समूह का संचालन भी कर रही हैं। राखियों का सीजन है तो राखियां बना रहे हैं और हमारी काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड है। मैंने ये राखियां शिमला में और मैंने जो है कांगड़ा निफ्ट में भी भेजी और कुछ अभी बना भी रही हूँ, तो इसके साथ भी मेरे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ये राखियां बना रही हैं। इसी के चलते उन्हें निफ्ट कांगड़ा और लक्कड़ बाजार शिमला से चीड़ की पत्तियों की राखियां बनाने का ऑर्डर मिला। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि चीड़ की पत्तियों की राखियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब जैसा कुछ करने का मौका मिला तो इसमें हुनर दिखाने का प्रयास शुरू हुआ। और मैं सरकार से ये डिमांड करती हूँ कि जो हमारी मार्केट है यहाँ मंडी में, यहाँ भी एक लोकल आर्टिजन की मार्केट हो और हम अपने शहर में भी जो है इस प्रोडक्ट को आसानी से बेचे। अब जैसे राखियों का सीजन है तो हम इन राखियों को जो है अपनी मार्केटों में बेच सकते थे अगर थोड़ी सी हमें जो है सरकार सपोर्ट करे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सरकार से कि वो हम आर्टिजनों की और भी ध्यान दे। हमारा काम छोटा ही सही पर हम हजारों लाखों लोगों को जो है रोजगार देने में सक्षम है। चीड़ की पत्तियों से बनाई जा रही राखियों में रेशम के धागे और पूजा के दौरान बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र के धागे के साथ रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुद्राक्ष वाली राखी 50 तो बिना रुद्राक्ष वाली राखी 30 रुपए में बिक रही हैं। संतोष के साथ इस कार्य में जिले भर की 30 महिलाएं जुटी हुई हैं, जो अपने घरों पर ही इन्हें बनाकर आजीविका कमा रही हैं। तो ये हैंड एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, तो आजकल जैसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर चील की पत्तियों को लाना, उसको बॉइल्ड करना, ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम इनके साथ ही चले हुए 2006 से। बड़ी अच्छी लेडीज़ है, हार्ड वर्किंग लेडीज़ है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों का ईमानदारी से साथ देना चाहिए ताकि ये लोग ऊपर उठ जाए अपनी मेहनत से। आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ जुड़ी संतोष सचदेवा आज हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतरीन कार्य कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। नए नए उत्पाद बाजार में आने से लोग भी इनके प्रति आकर्षित होते हैं और पर्यावरण को भी इससे लाभ मिलता है। मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। रामनगर में ऐसा सरकारी स्कूल है जहां की हालत बद से बदतर है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में ऐसा सरकारी स्कूल है जहां बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है और बारिश में लगातार बढ़ रही फिसलन की वजह से
शौचालय जाने वाला रास्ता खतरे से खाली नहीं है। इसी स्कूल में एक अन्य शौचालय भी बना है जिस पर स्कूल प्रशासन ने लंबे वक्त से ताला जड़ा हुआ है। शौचालय के हालात ऐसे हैं जो सीधे बीमारियों को न्योता देते हैं। इसी शौचालय से थोड़ी दूर पर मिड डे मील योजना के तहत बनने वाला खाना तैयार होता है जो बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। ये जो स्कूल है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। आपने देखा होगा अंदर रूम के अंदर पानी आता है, टॉयलेट की व्यवस्था बहुत गंदी है, उधर से डंगा खिसक गया है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। बच्चे अगर वहाँ से जाएंगे तो सीधे नीचे नाले में पहुँचेंगे और इसका ग्राउंड की बड़ी समस्या है। यहाँ देखो गाड़ियाँ लग जाती है, परमानेंट लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, उससे बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो मेरी प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि स्कूल के बारे में सोचा जाए, इस ग्राउंड के लिए सोचा जाए, टॉयलेट की व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए और सबके विकास के लिए काम किया जाए। इसके अलावा स्कूल के आसपास कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। स्कूल में बच्चों के लिए ग्राउंड की सुविधा भी नहीं है क्योंकि यहां बने ग्राउंड में स्थानीय लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। रामनगर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने सरकार से रेलिंग लगाने तक की गुहार लगाई है। क्या करना चाहिए यहाँ पर, आपको क्या लगता है यहाँ पर रेलिंग लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देखने वाली बात ये होगी कि कब सरकार और प्रशासन की नज़र इस शिक्षा के मंदिर की बिगड़ी व्यवस्था पर जाएगी और कब इसे स्कूल की तस्वीर बदलेगी। जनता टीवी के लिए शिमला से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन इस साल 17 अगस्त से 25 अगस्त तक किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन की तैयारियों से संबंधित समीक्षा के लिए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि मेले के दौरान माँ चिंतपूर्णी का मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान 144 लागू रहेगी और किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने के अलावा मेले में ढोल नगाड़े लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा प्लास्टिक इस्तेमाल पर भी पूरी पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त मात्रा में पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा जिसके लिए सरकार से 1600 अतिरिक्त पुलिस और होमगार्ड जवानों की मांग की गई है। इस दौरान पे मंदिर प्रशासन द्वारा हर वर्ष की तरह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं जो मूलभूत व्यवस्थाएँ वो की जा रही है। मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करता हूँ कि वे इस दौरान जो है वो शांतिपूर्वक यहाँ दर्शन करने के लिए आए, व्यवस्था बनाए रखने में मेरा सहयोग करें और विशेषतः जो श्रद्धालु यहाँ पर बाहर राज्यों से आ रहे हैं मालवाहक वाहनों में जो है वो ना आए, ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो हम ये सभी से अपील करते हैं कि आप जब भी लोग आए तो यहाँ व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।